जगन्नाथ जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड चुनाव प्रचार की। झारखंड चुनाव प्रचार में गुंजायमान हुआ जय जगन्नाथ का नारा और झारखंड में चुनाव प्रचार में मुख्य मुद्दा है रोटी बेटी माटी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के द्वारा कब्जाया जाना, मतलब जबरन दखल करना। ये वहां का आजकल मुख्य मुद्दा है झारखंड चुनाव प्रचार में। सभी दर्शकों से अनुरोध है कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। झारखंड चुनाव प्रचार दो चरणों में हो रहा है। एक चरण का चुनाव प्रचार कल खत्म हो गया और आगामी काल मतलब 13 तारीख को वहां वोट पड़ने हैं 43 विधानसभा क्षेत्रों में। तत्पश्चात बाकी के जो हैं वो दूसरे चरण में वोट पड़ेंगे। ये जो कल वोट पड़ेंगे इसके लिए कल आगामी कल जो वोट पड़ेंगे इसके लिए बीते कल मतलब सोमवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और उस चुनाव प्रचार में उड़ीसा के बीजेपी के टॉप नेता गए हुए थे चुनाव प्रचार में और जिस क्षेत्र में गए थे वो क्षेत्र का नाम है सरायकेला खरसुआ। वो उड़ीसा से सटा हुआ क्षेत्र है और वहाँ उड़िया भाषी काफ़ी मात्रा में रहते हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 20% उड़िया लोग रहते हैं। ऐसे 15-20 विधानसभा क्षेत्र वहाँ पर झारखंड में है जो इलाके सटे हुए हैं उड़ीसा से एवं उड़िया भाषी वहां पर उड़िया भाषा में प्रायतः बातचीत भी करते रहते हैं। तो कल चुनाव प्रचार में वहां की जो सरायकेला विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहनचरण मांझी, यहां के एक उच्च शिक्षा मंत्री सूरज बंसी और एक और यहां के विधायक हैं, तीनों उड़िया नेताओं ने तीनों भाजपा के उड़ीसा के बड़े नेताओं ने वहां पर चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया एवं सर्वप्रथम मोहनचरण मांझी ने चुनाव प्रचार शुभारंभ करते हुए जय जगन्नाथ का नारा दिया, जिससे वहां उपस्थित हजारों लोगों ने भी उनके साथ में जय जगन्नाथ बोला एवं मोहनचरण मांझी ने वहां उड़िया में ही भाषण दिया। तत्पश्चात जो उड़ीसा के दो नेता और गए थे उच्च शिक्षा मंत्री सूरज वंशी और सूर्यवंशी उनका नाम है वे और एक यहाँ के और एक विधायक उड़ीसा के गए थे, तीनों ने ही उड़िया में वहां पर भाषण दिया। तो ऐसा मालूम हो ही नहीं रहा था कि झारखंड में चुनाव है, तो लग रहा था जैसे उड़ीसा में चुनाव है क्योंकि नेता लोग उड़िया में बोल रहे थे वहां पर। और एक इंटरेस्टिंग बात है, वो जो चुनाव क्षेत्र है सरायकेला वो चुनाव क्षेत्र है चंपई सोरेन का। वो चंपई सोरेन भी वहां पर झारखंड में बहुत बड़े आदिवासी नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं वहां के। चंपई सोरेन वहां पर मुख्यमंत्री पद पर तब बैठे जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के टॉप नेता एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। उस समय चंपई सोरेन को वो गद्दी सौंप के गए और चंपई सोरेन वहां पर 5-6 महीने करीब मुख्यमंत्री पद को संभाले। तत्पश्चात जब उनका मतलब हेमंत सोरेन का बेल मिल गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलते ही हेमंत सोरेन पुनः गद्दी पर बैठ गए और चंपई सोरेन को बड़ी बेरुखी से अपमानजनक स्थिति में वहां से हटा दिए मुख्यमंत्री पद से। जब हटा दिए तो हेमंत सोरेन की इस मतलब दुराचार के कारण चंपई सोरेन जो अभी भाजपा की तरफ से सरायकेला में उम्मीदवार है वो काफी दुखी हुए, नाराज हुए एवं तत्पश्चात वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए। जिस जेएमएम के तरफ से उन्होंने बरसों तपस्या की, बरसों वहां चुनाव लड़ा, कम से कम भी 30-35 साल तक वहां पर जेएमएम के वो नेता बने रहे, अनेकों बार विधायक रहे, मंत्री रहे, तत्पश्चात मुख्यमंत्री भी रहे, अंत में हेमंत सोरेन के दुराचार के कारण वो चंपई सोरेन को वहां चीफ मिनिस्टर पद से हटाए एवं खुद पुनः वहां पर स्थापित हो गए। तत्पश्चात चंपई सोरेन ने दुखी मन से झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दिया एवं भाजपा ज्वाइन कर ली और अभी पूरे झारखंड में
भाजपा के सपक्ष में ही फेवर में ही हवा चल रही है। 81 विधानसभा क्षेत्र में 68 भाजपा कैंडिडेट भी है, बाकी सहयोगी दल भी वहां पर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन वो दिए हैं 10 कैंडिडेट, दो कैंडिडेट जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की उन्होंने दिया है, एक कैंडिडेट वहां पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने दिया है। इस तरह पूरे 81 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए ने कैंडिडेट दिए हैं। अभी हाल में 3-4 दिन पहले रांची में भी प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली थी, लाखों लाखों लोग उस रैली में हिस्सा लिए एवं जमकर मतलब भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब के नारे लगे और एक रहो मैंने बंटेंगे तो कटेंगे, ये भी नारा वहां पर गुंजायमान होता रहा झारखंड के मोदी की रैली में। उसी तरह अमित शाह भी 3-4 बार वहां होके आगे हैं, वहां भी वही नारा गूंजता रहा, बटोगे तो कटोगे। मतलब अभी पूरा झारखंड चुनाव प्रचार में, महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में ये नारा घर घर के घर घर से बोला जा रहा है और सर चढ़ के बोला जा रहा है, बटोगे तो कटोगे तो घटोगे, ये नारा वहां पर विराजमान है। झारखंड में चुनाव प्रचार में नंबर 1 अव्वल दर्जे का नारा है। अब मैं आ रहा हूं कि जो आज मैं टाइटल दिया हूं इसमें कि बेटी रोटी माटी, ये जो तीन है बेटी रोटी माटी, ये तीनों ही चीजें हैं वहां पर अभी खतरे में आ गई हैं। किन के द्वारा? जिहादियों के द्वारा, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के घुसपैठियों के द्वारा वहां पर ये तीनों चीजें मतलब डेंजर जोन में आ गई है वहां के आदिवासी लोगों के लिए, राज्य के लोगों के लिए, भारत के लिए। कैसा है कि पश्चिम बंगाल के माध्यम से, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर क्रॉस कर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी घुसपैठिए हमारे देश में घुस आते हैं और वहां जब झारखंड में प्रवेश करते हैं सर्वप्रथम वो लोग स्थानीय है, क्योंकि पूरे संथाल परगना एरिया में, छोटा नागपुर एरिया में हजारों की संख्या में मदरसे मस्जिद बन गए हैं। और बड़े मजे की बात एक और में अभी अभी मुझे याद आई है, एक एक एरिया में सरकारी स्कूलों में रविवार को आजकल छुट्टी नहीं होती है, वहां होती है शुक्रवार को, फ्राइडे को। क्यों? क्योंकि पूरा एरिया में मतलब आबादी तो दिनों दिन इनकी बढ़ती ही जा रही है, जो एरिया जिहादियों के द्वारा डोमिनेटेड है उस एरिया की जो सरकारी स्कूल है, मैं मदरसे की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के स्कूल हैं, उन स्कूलों में रविवार को पाठ पढ़ाया जाता है, शुक्रवार को छुट्टी रहती है, मतलब जुम्मे के दिन छुट्टी रहती है, जुम्मे का नमाज पढ़ने जाएंगे इसलिए वहां की छुट्टी रहती है, सरकारी घोषणा के मुताबिक नहीं, नन ऑफिशियली। अब देखिए नन ऑफिशियली सरकारी स्कूलों में सैकड़ों की संख्या में छुट्टी रहती है शुक्रवार को, और वो स्कूलें सारी खुलती है रविवार को। सारी चीजों को मालूम है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को, हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार को, लेकिन वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे। मतलब इनडायरेक्टली वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं जिहादियों को कि हाँ भाई ठीक है बच्चे तो पढ़ रहे हैं, शुक्रवार रविवार बंदी से क्या मतलब है, बंदी शुक्रवार बंद रहता है रविवार खुला रहता है तो रहने दो, अपने को क्या प्रॉब्लम है। यही सब आगे जाके मतलब अलगाववाद को आगे जाके बढ़ावा देते हैं। अब ये जो जिन जिहादियों की मैं बात कर रहा था घुसपैठियों की, वो लोग झारखंड में सर्वप्रथम आके वहां के स्थानीय मस्जिद में या नहीं तो मदरसों में शरण लेते हैं, वहां चंद दिन रह के वहां से ये लोग फेरी वालों का सब सामान लेके जाते हैं, छोटे मोटे प्लास्टिक के सामान, घर गृहस्थी के सामान, छोटे मोटे सामान फेरी करके पूरे गांव गांव में ये लोग घूमते रहते हैं और ये लोग नजर गड़ाए रखते हैं किस घर में माँ बेटी अकेले रहते हैं, कहां पुरुष कोई बाहर गया है काम करने के लिए, कहां पुरुष शून्य कोई घर है, इत्यादि इत्यादि, मतलब पूरी निगाह रखते हैं। एवं जब उनको मालूम हो जाता है कि यहाँ इस घर में माँ बेटी अकेली रहते हैं या पुरुष कोई नहीं है या पुरुष कहीं बाहर देश में, बाहर दूसरे प्रांत में काम करने के लिए गया है या कहीं और गया हुआ है और आने में भी काफी विलंब होगा, तो ये लोग चुपके चुपके से ये जिहादी फेरी वाले का रूप धर के चुपके चुपके से सामान बेचने के बहाने घर घर में घुसते हैं एवं निगाहबाड़ी करते हैं एवं वहां की जो लड़कियां हैं, जो जवान लड़कियां हैं, कम उम्र की लड़कियां हैं, उनसे संपर्क साधना कर देते हैं एवं उनसे संपर्क साध के छोटे 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 कम दाम वाले पैसे तो मोबाइल उनको भेंट करते हैं, 10-50 छोटी थोड़ी बड़ी मोबाइल उनको देते हैं जिससे मैसेज आना जाना करता रहे, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे,
एवं धीरे धीरे उन लड़कियों को माया जाल में, मोहब्बत की जाल में फंसाते हैं और जब जिहाद में फंसाते हैं। ये सब यहाँ ये लोग करते रहते हैं, बराबर सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में पूरे संथाल परगना एरिया में, पूरे झारखंड में। एवं यहाँ एक चलिए दूसरे भारतवर्ष के दूसरे एरिया में जो जनसंख्या विस्फोट होता है या जब जिहाद होता है, यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ थोड़ा फर्क है। यहाँ ये कि क्या करते हैं, क्योंकि हमारे देश में कानून है, प्राय सभी राज्यों में कानून है कि आदिवासी को जमीन, आदिवासियों की जमीन सहज में कोई खरीद नहीं सकता। उसमें काफी कानूनी माने पेंच पेंच है, सहज में कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये जो जिहादी मानसिकता वाले घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, ये लोग क्या करते हैं, उन लड़कियों से को प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं और उनके घर में ही रहने लगते हैं। क्योंकि ये लोग तो बाहर से आए, विदेश से आए हैं, बांग्लादेश से और बर्मा से, उनके घर में ही रहने लगते हैं। एवं उसी लड़की को फिर स्थानीय जो चुनाव होते हैं ना, सरपंच के, वार्ड मेंबर के और पंचायत मेंबर के, वो सब में ये लोग खड़ा करते हैं और वो लड़की प्राय प्राय जीत भी जाती है चुनाव में। अच्छा, आदिवासी पहचान है उसकी, लड़की की, तो आदिवासी कोटे से जो चुनाव होता है वो खड़ी भी हो जाती है और जीतने की भी संभावना रहती है, अक्सर जीत भी जाती है लड़कियां। जब जीत जाती है तो ये लोग क्या है कि सारी उन्हीं के माध्यम से, सरपंच पत्नी के माध्यम से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, मतलब मिट्टी पर कब्जा कर लेते हैं। और इनको तो फ्री राशन मिलता ही है, जो आदिवासी एरिया में जो है परिवार उनको फ्री राशन मिलता है, तो मतलब रोटी पा गए, माटी पा गए, जमीन जमीन पर कब्जा कर लेते, मतलब माटी पा गए और बेटी भी पा गए, बेटी के माध्यम से रोटी और माटी सब पा गए। ये सब इनका मतलब इनका कार्यक्रम, इनके मंसूबे चल रहा है पिछले करीब 5-7 साल से, जोर ये जो जयमम की सरकार में खूब जोर जोर शोर से चल रहा है। इसी को मुद्दा बनाए हैं योगी आदित्यनाथ, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह एवं प्रधानमंत्री मोदी। जो प्रधानमंत्री मोदी 3-4 दिन पहले रांची गए थे जनसभा को संबोधित करने के लिए, लाखों की भीड़ थी, और सब समय प्रधानमंत्री मोदी की सभा में हो या अमित शाह की सभा में हो या योगी की सभा में हो, एक ही नारा सब जगह गुंजायमान हो रहा है, भाई बंटोगे तो कटोगे, कटोगे तो घटोगे। ये अभी चुनाव का सबसे बड़ा नारा है। और दूसरे जो जेएमएम की जो सरकार है अभी, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, वो पूरे भ्रष्टाचार के मामले में आकंठ मतलब गले तक डूबी हुई है। लोग मतलब बहुत निराश हताश हो गए हैं इस जेएमएम की सरकार को, पिछले 5 साल से वो लोग झेल रहे हैं। और उसमें गठबंधन में सहयोगी कौन है, यही कांग्रेस, यही लालू यादव के आरजेडी, ये लोग सब सहयोगी बने हुए हैं। और अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कब इनको मतलब जेएमएम की सरकार को विदा करेंगे और कब एनडीए की सरकार शीघ्र से शीघ्र आएगी, ऐसा माहौल वहां पर पूरा बन गया है। कल तो एक एक फेज का चुनाव है, चंद दिन पश्चात और एक फेज का चुनाव होगा, और अब मुझे लग रहा है कि चंद दिनों के मेहमान जेएमएम के हेमंत सोरेन की सरकार है, वहां भी डबल इंजन की सरकार बनेगी, मतलब केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है उसी तरह बाबूलाल मरांडी जो वहां पर बहुत लोकप्रिय नेता है, ईमानदार छवि वाले नेता है, उनके नेतृत्व में वहां जेएमएम में भाजपा की सरकार बनेगी, अर्थात डबल इंजन की सरकार बनेगी। और जो चंपई सोरेन जो खड़े हैं यहाँ सरेकेला से, उनकी भी छवि बहुत साफ सुथरी उज्ज्वल है, उनके भी जीतने की पूरी पूरी संभावना है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।